ट्रायल के बाद जो हमने XPM के रिजल्ट्स देखे हैं वो उनका जो इम्पैक्ट आया वो एनिमल की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आया। इसमें एनिमल का BCS भी बेहतर हुआ है, वो इसलिए बेहतर हुआ कि एनिमल ने फीड इनटेक ज़्यादा कर दिया था अपना। मिल्क क्वांटिटी के ऊपर इम्पैक्ट है, मिल्क क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट है, और इसके अलावा हमने ऑब्जर्व किया कि इससे लेमनेस में भी काफ़ी हद तक कमी हुई है, और मेस्टाइटिस जो है वो भी उसके केसेस भी रिड्यूस हो गए हमारे हर्ड के अंदर। जी मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसर अली है और मैं एज जनरल मैनेजर फार्म हैप्पी कैटल डेयरी फार्म पे काम कर रहा हूँ। हमारे पास कुछ 2000 इम्पोर्टेड एनिमल हैं, एग्जॉटिक ब्रीड है सारी, जिसमें होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी और कुछ हमारे पास बीफ ब्रीड, इसमें ब्राह्मण एनिमल है वो भी हमने रखे हुए हैं। मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क कंपोजिशन के हवाले से, चूँकि हर फॉर्म के इश्यूज होते हैं, हर फॉर्म चाहता है कि उनकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, टोटल सॉलिड ज़्यादा हो, फैट परसेंटेज ज़्यादा हो, तो इस सिलसिले में हमें डेयरी लैक की टीम ने अप्रोच किया। उनके पास एक बड़ी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट थी XPM के नाम से, जो कि प्रो एंड पोस्ट प्रोबायोटिक पर मुश्तमिल थी, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि हमें इसका ट्रायल कंडक्ट करने दें। ये मिल्क का जो क्वांटिटी है उसको भी इन्हेंस करती है और जो मिल्क के टोटल सॉलिड्स हैं यानी मिल्क क्वालिटी को भी इन्हेंस करती है। ये ट्रायल बेसिकली 280 एनिमल्स पे कंडक्ट किया गया था, उसमें एक कंट्रोल ग्रुप कंसिडर किया गया था और दूसरा ट्रायल ग्रुप था। एक महीने का ट्रायल हमने कंडक्ट किया, डेयरी लैक की टीम ने यहाँ पर खुद उसको सुपरवाइज किया, फीडिंग में वो इन्वॉल्व रहे सारे, तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो रिज़ल्ट सामने आए। तो उसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन देखूं तो पर डे पर एनिमल आलमोस्ट 1.1 लीटर का इंक्रीज़ है, और आलमोस्ट इसी तरह सेम टोटल सॉलिड और फैट परसेंटेज में भी खातर खा इजाफा किया है उसने। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, अगर मैं XPM की बात करूँ तो मैं बाकी फार्मर्स को, जो कमर्शियल डेयरी फार्मर हैं, जो कॉरपोरेट डेयरी फार्म्स हैं, उन सबको ये सजेस्ट करूँगा और एडवाइस भी करूँगा कि वो XPM को डेफिनेटली यूज़ करें, और इससे उनके एनिमल की हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, मिल्क क्वान्टिटी पर आएगा, मिल्क क्वालिटी पर आएगा, और एनिमल में जो लेमनेस के इशूज़ काफ़ी हद तक सेटल हो जाएंगे और फीड इनटेक जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा।